तो अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आपको अभी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और बाद के जीवन की सारी इच्छाएं अधूरी छोड़नी है। जरा समझें अच्छे से इस चीज को। देखो पढ़ाई बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए हर कोई कर नहीं पाता, ठीक है ना। मुश्किल तो लगती है, हर किसी का मन करता है जाकर खेल लो, जाकर आराम से बैठ जाओ, सो जाओ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो, सड़कों पे घूमने जाओ, स्कूटर लेकर निकल जाओ, अपना एक्टिवा लेकर निकल जाओ सड़कों पर घूमने के लिए, शाम को मौसम अच्छा हो ऐश करो पूरी। लेकिन लेकिन आपको अपनी इस इन सब ख्वाहिशों पर एक बार के लिए क्या लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, इन सब चीज़ों को त्याग देना पड़ता है, तभी आप पढ़ पाते हैं। तो पढ़ाई एक तपस्या है, एक तपस्या की तरह है, यानी पढ़ाई के लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार देना पड़ता है, और वो इच्छाएं हमेशा के लिए नहीं मार देनी पड़ती। यानी ये मत सोचना कभी कि बस अब तो सब इच्छाएं मर गई, अब तो बेकार हो गया जीवन। नहीं, सिर्फ एक या दो साल के लिए अगर आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और वो जो समय आप उन इच्छाओं को पूरा करने में लगाते, उस समय को आप पढ़ाई में लगाएं, तो जिंदगी भर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जिंदगी भर आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर हम अभी उन इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं तो फिर जिंदगी भर हमारी इच्छाएं अधूरी ही रह जाएंगी। तो अब यह फैसला आपके हाथ में है कि आपको अभी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और बाद के जीवन की सारी इच्छाएं अधूरी छोड़नी है, या फिर अभी की इच्छाएं छोड़ दो और जीवन भर की इच्छाओं को पूरा करें। तो वो फैसला आपके हाथ में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही समझदार हैं, मेरे साथ हैं और एक एक चीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।